के इस एक्शन के बाद ट्विटर में मचा बड़ा कोहराम। निकाले गए कर्मचारियों को दोबारा ज्वाइनिंग से किया इनकार। नमस्कार, मैं खुशबू स्वागत करती हूं आपका हिमकॉम न्यूज में। ट्विटर की कमान जब से एलन मस्क ने अपने हाथों में ली है, कंपनी में कई बड़े परिवर्तन तो आए ही हैं, इसके साथ साथ कई कर्मचारियों की छटनी भी कर दी गई है। इसके अलावा ट्विटर की मैनेजमेंट जिस तरह से काम कर रही है वो भी अब बदल चुका है। ऐसे में ये ट्विटर अब एलन मस्क के इशारों पर नाच रहा है। इसी कड़ी में उनका एक और खेल सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिन कर्मचारियों को ट्विटर ने नौकरी से निकाल दिया था उनमें से कई को फिर से वापस लाया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर ने गलती से कुछ कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया था, ऐसे में उन्हें फिर रिटर्न किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात ये है कि वो कर्मचारी ही अब वापस ट्विटर ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। उन्हें नौकरी से निकालते वक्त वादा किया गया था कि उन्हें 60 दिन की सैलरी दी जाएगी। ऐसे में बिना काम के भी उनके घर पैसा आता रहेगा। लेकिन अब खबर है कि ट्विटर अपनी पॉलिसी में बदलाव कर सकता है। अगर कोई कर्मचारी वापस ज्वाइन करने से मना कर देगा उस स्थिति में उसे नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा। और तो और फिर जो 60 दिन की वेतन यानी कि सैलरी मिलने वाली थी वो भी हाथ नहीं आएगी। ऐसे में ट्विटर कर्मचारियों को ब्लैकमेल करने का काम कर सकता है। कुछ कर्मचारी तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि लोगों की छटनी के बाद से ट्विटर पर काम करना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। जो टीमें वहाँ बची भी हैं उन्हें एलन मस्क के प्रोजेक्ट पूरे करने पर लगा दिया गया है। उनसे एक दिन में 20 घंटे काम करवाया जा रहा है। अब इस ओवरटाइम के लिए उन्हें अतिरिक्त पैसा नहीं दिया जाएगा। इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अब कहने को एलन मस्क को ट्विटर संभाले ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन जिस स्पीड से जिस गति से वो फैसले ले रहे हैं जमीन पर काफी कुछ बदलता दिख रहा है। अब तो ट्विटर के सब्सक्रिप्शन मॉडल की भी चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि कुछ समय के लिए तो ट्विटर सभी को फ्री मिलेगा, लेकिन फिर पैसे देकर उसका इस्तेमाल हो पाएगा। यानी कि एलन मस्क का ट्विटर इस्तेमाल करना है तो लोगों को अपनी जेब ढीली ही करनी पड़ेगी। आज की खबर में इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हिमकॉम न्यूज पर।